हाँ बेटा, हम लोगों ने लेक्चर 13 में डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में कूलम्स लॉ कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया है और उसमें डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी, वी हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट। देन वी सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स एंड आई हैव गिवेन यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव डन दोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप बहुत फ्रीली मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? इवन यू कैन कॉल मी इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट, इफ़ यू वॉन्ट एक्सप्लेनेशन इन डिटेल तो कॉल भी कर सकते हो। अब हम लोग लास्ट क्लास में जो मैंने कहा था कि डिटेल में समझाना है मेरे को, तो वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 50 ऑफ एच सी वर्मा। इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन वाज इट? दैट वाज क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था? 49, 49th क्वेश्चन इट वॉज, ठीक है ना? अब ये है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन पढ़ो। अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम मास 40 ग्राम, चार्ज 4×10⁻⁶ कूलम, इट इज सस्पेंडेड, राइट? दिस सिंपल पेंडुलम मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड्स। अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड्स हुज मैग्नीट्यूड इज 2.5×10⁴ न्यूटन पर कूलम इज स्विच्ड on. How much time will it take to complete 20 oscillations? क्या एक बार फिर ध्यान से पढ़ें? एक पेंडुलम फ्रीली सस्पेंडेड है, उसका मास और चार्ज गिवन है और कहा गया है कि 20 ऑसिलेशंस 45 सेकेंड्स में कंप्लीट करते हैं। दिस इज अंडर द फील्ड ऑफ ग्रेविटी, बट देन अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। दैट वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटेड अपवर्ड्स एंड देन दे आर आस्किंग वॉट विल बी द न्यू टाइम पीरियड और वॉट विल बी द न्यू टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल बिकॉज एक्चुअली I want you to recall your simple harmonic motion concepts. जिन बच्चों को इस तरह के प्रॉब्लम में थोड़ी दिक्कत आती है उनके लिए मैंने एक एक स्टेप इसका डिटेल में बताया है। ये देखो, पहला पॉइंट देखो, फ्रीली सस्पेंडेड सिंपल पेंडुलम, एक फोर्स नीचे की ओर, कौन सा है ये फोर्स सोचो, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये दूसरा फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है ऊपर की ओर, कौन सा फोर्स हो सकता है ये? याद आया? टेंशन फोर्स, थ्रेट का। अब इस पर दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं, देखो, टेंशन एंड एमजी। अगर इसको आप ऑसिलेट कराओ तो आप इसको, याद है आपको, थोड़ा सा इधर ले जाकर छोड़ते हैं तो ये SHM परफॉर्म करने लगता है। किसी पोजीशन थीटा पर इसकी जो मीन पोजीशन थी, वर्टिकल पोजीशन थी, उससे किसी पोजीशन थीटा पर ले गए और यहाँ पर इसको ध्यान किया, समझ लो कि पॉज कर दिया इसका मोशन और ध्यान किया कि भाई इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, टी, एम जी,
और इन दोनों में टेंशन को रिजॉल्व करके ये जानने की कोशिश की कि अगर हमने इसको इधर लाकर छोड़ा था तो ये वापस क्यों लौटता है। जब हमने टेंशन को रिजॉल्व किया तो एक वर्टिकल कंपोनेंट बना और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना, लेकिन जो एक्चुअल मोशन एक्चुअल पाथ होता है सिंपल पेंडुलम का, क्या तुम फील कर पा रहे हो कि वो ऐसा होता है? यानी पेंडुलम हॉरिजॉन्टल नहीं चलता है, पेंडुलम इस डायरेक्शन में चलता है, राइट? तो ये जो फोर्स है इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि थीटा तो बहुत छोटा होता है, SHM के लिए कंडीशन होती कि थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, तो उसकी वजह से ये एंगल भी छोटा होगा, तो हम अप्रोक्सीमेटली इस फोर्स को भी रिस्टोरिंग फोर्स मान सकते हैं जो पेंडुलम को वापस लेकर आ रहा है। लेकिन हमारे पास उससे बेटर और बढ़िया फोर्स रिजॉल्व करने के लिए है ना, ये MG, तो T को क्यों रिजॉल्व करें? MG को रिजॉल्व किया ना। अगर आपने MG को रिजॉल्व किया तो अलोंग द थ्रेड, देखो थ्रेड की लेंथ कहीं भी पाथ में लंबी नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, तो ये टेंशन MG cos थीटा को बिल्कुल बाय प्रूफ बैलेंस कर रहा है। और MG का जो ये कंपोनेंट है, ये देखो तुम उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पेंडुलम रियल में चल रहा है। तो ये MG sin थीटा कंपोनेंट बेटर एक्सप्लेन कर रहा है कि ये पेंडुलम इस डायरेक्शन में वापस क्यों भागता है जब हम इसको अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो हम किस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, टी को या MG को? MG को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि वो हमें सही एक्सप्लेन कर रहा है इस बॉब के मोशन के बारे में। तो भाई हमने MG को रिजॉल्व किया, टी MG cos थीटा को बैलेंस करता है, लेकिन ये MG sin थीटा बैलेंस नहीं है। ये वो फोर्स है जो बॉब को वापस मीन पोजीशन पर लेकर आ रहा है। तो देखो मैंने लिखा कि रिस्टोरिंग फोर्स F इज MG sin थीटा, ठीक है। अब sin थीटा देखो, ये ट्रायंगल मैंने पूरा कर लिया। कैसे पूरा किया? ये 90 डिग्री का ट्रायंगल पूरा कर लिया। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट न्यू पोजीशन को पुरानी पोजीशन से सीधी लाइन से मिलाते हैं, उससे डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक। अब इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है इस थीटा के लिए और ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ये जो स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ बदलती नहीं है, ये ओरिजिनली कितनी है? L। तो साइन थीटा विल बी एक्स अपॉन L। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज MG एक्स अपॉन L। यहाँ से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये बॉब SHM परफॉर्म करता है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और इसकी वजह से रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। और MG sin थीटा की डायरेक्शन से हमको पता चलता है कि दिस एक्सेलरेशन एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। देखो तो ये जो एक्स है इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होती है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में बढ़ता है, इस डायरेक्शन में बढ़ता है, और ये जो एक्सेलरेशन है ये इस डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन
is proportional to x and opposite to x. तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जो मोशन परफॉर्म होता है वो SHM होता है. ये सब 11th का है, आप पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रही हूँ. तो इसको देखकर ये प्रूव होता है कि ये जो मोशन है ये SHM है. लेकिन हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं अब, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी. लेकिन जो SHM का तरीका था टाइम पीरियड निकालने का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वॉल्व है और टाइम पीरियड भी, तो एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो SHM का होता था स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, वो होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. और यहाँ माइनस को कतई कंफ्यूज मत होना, ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड अपोजिट टू एक्स. मैं कहती हूँ तुम ऐसे याद करो ना कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन. जब कभी आपको अपना फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजिशन की ओर पॉइंटेड मिल जाए पूरे रास्ते में, मोशन के पूरे पाथ में, तो आप समझ जाओ कि वो ऐसे चम करेगा, बशर्ते कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड वो एक्स के प्रोपोर्शनल हो. तो मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड हो फोर्स और एक्स के प्रोपोर्शनल हो तो मोशन हमेशा SHM होगा. तो यहाँ पर हमने इस माइनस के झंझट में नहीं फंसना है. एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, आप अलग से चेक कर लो कि आपके रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की ओर हमेशा हमेशा है कि नहीं है. अगर है और एक्स के प्रोपोर्शनल भी है तो वो SHM है. SHM का एक्सेलरेशन इस फॉर्म में लिखा जाता है. तो हमने कंपेयर किया इस एक्सेलरेशन को अपने केस के एक्सेलरेशन से और कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर को लिख लिया था जी एक्स बाई एल. ओमेगा स्क्वायर जी एक्स बाई एल होगा, जब एक्सेलरेशन को हमने कंपेयर किया था तो ओमेगा स्क्वायर होगा जी एक्स बाई एल, सॉरी एक्स नहीं होगा, ओमेगा स्क्वायर विल बी जी बाई एल. तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट जी बाई एल, पर ओमेगा की वैल्यू तो होती है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई एल अपॉन जी. टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई एल ऊपर चला जाएगा अपॉन जी, और ये साथ में अंडर रूट. तो ये टाइम पीरियड आ गया था, ठीक. लेकिन अब केस में क्या आ गया कि बॉब पर एमजी तो एक्ट कर ही रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट कर रही है. तो अब नए केस में देखो बॉब पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं. एक mg, दूसरा कि जब बॉब वर्टिकल पोजीशन से थीटा एंगल पर है तो टेंशन, और तीसरा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी q इंटू ई. तो अब कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं बॉब पर, ग्रेविटेशनल, टेंशन एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स. अब आप फिर से फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे, पर ध्यान से देखो आपको फोर्स रिजॉल्व करना है कि आपको फोर्सेस के वो कंपोनेंट पता चल जाएं जो मोशन के डायरेक्शन में है. मोशन तो इस कर्व पर हो रहा है बॉब का, तो mg का जो कंपोनेंट बॉब की इस पाथ के डायरेक्शन में था वो तो हम पहले ही जानते हैं, mg sin थीटा है. और जो t को बैलेंस कर रहा था वो था mg cos थीटा. लेकिन अब तो ये QE भी आ गया ना पिक्चर में, तो इसे भी तो रिजॉल्व करना पड़ेगा. जब आप इसे रिजॉल्व करोगे
तो एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट हो जाएगा एक तो अलोंग द स्ट्रिंग और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये दो पैरेलल लाइंस और ये थर्ड लाइन, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा था तो ये भी 90 माइनस थीटा। तो QE का ये कंपोनेंट होगा QE साइन थीटा और QE का ये कंपोनेंट होगा QE कॉस थीटा। इसको मैंने ऑलरेडी रिजॉल्व करके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, T रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रिकल फोर्स QE साइन थीटा एंड QE कॉस थीटा और mg के दो कंपोनेंट हो गए mg sin theta और mg cos theta। अब ये बेटा इस डायरेक्शन में है, इस स्ट्रिंग के अलोंग है mg cos theta, ठीक है। इसको ढंग से करेक्ट करके बना लेना। तो qe cos theta प्लस टेंशन ये दोनों मिलकर एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग बिल्कुल अपनी लेंथ चेंज नहीं करती है पूरे मोशन के ड्यूरेशन में। लेकिन ये जो क्यू ई साइन थीटा है और ये जो एम जी साइन थीटा है ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बॉब मूव कर रहा है और बॉब किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस कर्व्ड पाथ पर। तो कौन सा फोर्स इन दोनों में बड़ा हो गया, एम जी साइन थीटा। लेकिन एम जी साइन थीटा को क्यू ई साइन थीटा अपोज कर रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो बॉब को मीन पोजीशन की ओर खींच के ले जा रहा है वो एम जी साइन थीटा सिर्फ नहीं होगा बल्कि एम जी साइन थीटा माइनस QE साइन थीटा होगा। तो उसको हमने रिस्टोरिंग फोर्स के एक्सप्रेशन में कंसीडर करते हुए लिखा, इट्स MG साइन थीटा माइनस QE साइन थीटा, टेक साइन थीटा कॉमन, सो इन द ब्रैकेट यू विल हैव MG माइनस QE, देन substitute the value of sin theta, sin theta we have taken here x upon length of the string, here also the same logic, this is displacement x, so sin theta will be perpendicular upon hypotenuse, that is L. When we substituted the value of sin theta x upon L, then restoring force is this much. So restoring acceleration will be restoring force upon mass. So restoring force upon mass. Right? Now simplify it. Restoring acceleration is G माइनस क्यू ई अपॉन एम और ये वन अपॉन एल को अलग से लिख लो और ये एक्स। एक्सेलरेशन इज प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन, प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन। अगर एम जी साइन थीटा नेट रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्शन को डिसाइड कर रहा है क्योंकि ये बड़ा है क्यू ई साइन थीटा से, तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा मीन पोजिशन की ओर होगा, तो एक्सेलरेशन भी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में होगा।
तो पक्का हो गया कि जो मोशन परफॉर्म हो रहा है इस एक्सेलरेशन से, जिस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मोशन सर्टेनली विल बी SHM, राइट? सो लेट वी सॉल्व इट फर्दर. जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइनली हमारा आया, दैट वाज जी माइनस क्यू ई एक्स अपॉन एल. नेगेटिव साइन बार बार मैं बता रही हूँ, लगा नहीं रही हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी कन्फर्म्ड दैट द फोर्स एंड द एक्सेलरेशन बोथ आर इन द डायरेक्शन ऑफ मेन पोजिशन, सो इट इज SHM. दिस निगेटिव साइन इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ SHM इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग, दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजिशन. सो दिस माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर. आई एम नॉट राइटिंग इट टू कन्फ्यूज माई स्टूडेंट्स. सो दिस निगेटिव साइन इज ऑलरेडी देयर. यहाँ पर भी इस निगेटिव साइन को इसलिए लिखा है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे तुम्हें याद दिलानी है, पर मैग्नीट्यूड इतना है और मैग्नीट्यूड ऑफ SHM एक्सेलरेशन इन SHM इज ओमेगा स्क्वायर एक्स. निगेटिव साइन तो डायरेक्शन देता है, तो आप उससे कतई कंफ्यूज नहीं हो. तो अब इन दोनों इक्वेशन को बेटा कंपेयर करो. ओमेगा स्क्वायर इज दिस वैल्यू एंड दिस एल, ये एक्स हट जाएगा. तो ओमेगा स्क्वायर इज जी माइनस क्यू ई बाई एम एक्स अपॉन, सॉरी, ये एक्स यहाँ नहीं रहेगा ना. ओमेगा स्क्वायर इज जी माइनस क्यू ई बाई एम इंटू वन अपॉन एल. सो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, बट ओमेगा इज टू पाई अपॉन टी. अब देखो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई है. क्या चेंज हुई सिचुएशन? ओमेगा की वैल्यू जो आई उसमें ये जो क्वांटिटी पिछले टाइम जब सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड थी, तो ये जो क्वांटिटी थी ये सिर्फ जी थी, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज रिप्रेजेंटेड बाय जी. अब ये सेम क्वांटिटी, ध्यान से देखो, कंपेयर करो दोनों सिचुएशंस को. सेम क्वांटिटी अब टाइम पीरियड जो आ रहा है, दैट इज इंस्टेड ऑफ जी इट इज जी माइनस क्यू ई बाई एम. यदि जो एक्सेलरेशन जो टर्म रिप्रेजेंट कर रहा था वो जी की जगह जी माइनस क्यू ई बाई एम हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? इफेक्टिव एक्सेलरेशन. और जो टाइम पीरियड है उसे टी ना लिखकर टी डैश लिखेंगे, क्योंकि अब ये टाइम पीरियड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से चेंज हो चुका है. ठीक है, तो टी डैश इज टू पाई, ये एल ऊपर चला गया और ये टर्म नीचे आ गया. अब एक चीज और खास बात मैं चाहती हूँ कि आप ये याद रखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज नॉट टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. ये जो जी है ना, इसकी जगह पे याद किया करो इफेक्टिव एक्सेलरेशन. अगर सिर्फ ग्रेविटी में ये टाइम पीरियड आप निकालोगे सिंपल पेंडुलम का, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी होगा. लेकिन अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस अवेलेबल होंगे वहाँ पर, जिनकी वजह से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज फोर्सेस सिंपल पेंडुलम इफ इट इज़ परफॉर्मिंग SHM, देन इफेक्टिव एक्सेलरेशन विल चेंज. एज इन दिस केस इट्स नॉट सिंपली जी, इट्स जी माइनस क्यू ई बाई एम. ये जो एक्सेलरेशन है ये किसकी वजह से ऐड हुआ? देखो, दिस इज फोर्स अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन ही तो है.
और ये किसकी वजह से ऐड हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. और क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्ट कर रही थी तो वो हमारे रिस्टोरिंग फोर्स को एम जी साइन थीटा को अपोज कर रही थी, तो ये जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन यहाँ पर आया था ये माइनस के साथ आया है. इसने इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी को घटा दिया था, ग्रेविटी में सिर्फ जी था और अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया वो इफेक्टिव एक्सेलरेशन को कम करने का किया, तो माइनस साइन के साथ आया था. तो मैं चाहती हूँ कि इस डिस्कशन से, क्योंकि हर जगह आप इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं करेंगे खासकर एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आप इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद ये समझिए कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज 2π अंडर रूट एल अपॉन इफेक्टिव एक्सेलरेशन, और फोर्सेस रिजॉल्व करके सारा एनालिसिस करके फट से निकाल लो कि एक्सेलरेशन कितना है इफेक्टिव, और टाइम पीरियड में डायरेक्टली रख दो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस लॉन्ग प्रोसेस विच आई एक्सप्लेन यू राइट नाउ. ठीक, तो टी डैश यानी नया टाइम पीरियड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो जाएगा 2π अंडर रूट एल अपॉन इफेक्टिव एक्सेलरेशन. और अब ये जो टी डैश है इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो जो टाइम पीरियड आया था 2π अंडर रूट एल अपॉन जी उससे डिवाइड कर दो. क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि जब सिर्फ ग्रेविटी थी उस समय टाइम पीरियड हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी तो नया टाइम पीरियड क्या हो गया, तो हमें ये डिवाइड करके ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हमने डिवाइड कर दिया नए टाइम पीरियड को पुराने टाइम पीरियड से. जब आप डिवाइड करोगे तो एल चला जाएगा, एक 2π चला जाएगा, आपके एक्सप्रेशन में बचेगा जी अपॉन जी माइनस क्यू ई बाई एम. तो इसको रिवर्स कर लो क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. तो टी अपॉन टी डैश हो जाएगा जी माइनस क्यू ई बाई एम अपॉन जी, और फिर जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस क्यू ई अपॉन एम जी ये बचेगा. अब आप क्यू ई एम और जी की वैल्यू आराम से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. जब क्यू ई एम जी सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन अंडर रूट का आराम से आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन 0.75 आएगा अंडर रूट का. और जो पुराना टाइम पीरियड था जब सिर्फ ग्रेविटी थी तो उन्होंने कहा था 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकंड्स, तो मैंने टाइम पीरियड की जगह 45 अपॉन 20 लिखा हुआ. उसके बाद जब कैलकुलेट करें तो यहीं पे कैलकुलेशन मत शुरू कर दो क्योंकि उन्होंने नया टाइम पीरियड नहीं पूछा है. उन्होंने पूछा है कि अगर 20 ऑसिलेशन सिर्फ ग्रेविटी में 45 सेकंड में पूरे होते हैं देन व्हाट विल बी टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. सो इंस्टेड ऑफ टी डैश दे आर आस्किंग यू टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस. तो पहले हम टी डैश तक ले आए, यहाँ पर टी की जगह 45 अपॉन 20 रखा था बट वी हैव नॉट स्टार्टेड द फाइनल कैलकुलेशन बिकॉज एक्चुअली वी डोंट नीड टी डैश, वी नीड 20 इंटू टी डैश. एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 20 विद द टी डैश दिस 20 विल गो एंड योर कैलकुलेशन विल रिमेन 45 अपॉन 0.87 एंड दैट विल कम 51.7. बुक में इसे शायद 52 अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है. तो अब बताओ क्या तुमको ये क्वेश्चन अच्छा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. कितने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है ये. सो आफ्टर गेटिंग दिस
solution, you can easily solve the problems I have given you as a practice question in last lecture, right? Now one more question, and this question they have asked in JE Mains 2019. Question dekho. Question was, four point charges are placed on y axis as shown in the diagram. Y axis pe char charges rakhe hai. And then they said, find net field at point P, and the coordinate of P is D, 0. And further they said that this D is much greater than small d. Or small d kya hai? Ye charo charges ki position mein aaya hai. To sawal ek bar fir se. Four charges are placed on y axis. Kahan kahan dekho? At 0, d. Minus q at 0, 2d. Niche aao, minus y mein. To ek plus q at 0d. And minus q at 0 and minus 2d. Aur phir unhone kaha ki bhai p par net field batao. To ye ho gaya. Do tarah se kar sakte, forces resolve karke bhi kar sakte hain. Aur vector form ko use karke bhi kar sakte hain. रिजॉल्व करके, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल तुम लोगों को समझाए, तो ये क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली वेक्टर फॉर्म यूज करके किया. आई वांट यू टू हैव कॉन्फिडेंस इन बोथ द मेथड्स, रिजॉल्व करके भी और वेक्टर फॉर्म में भी. तो पी पर सबसे पहले फील्ड निकालने के लिए आपको एक टेस्ट चार्ज प्लस 1 कूलम रख देना है. उसके बाद जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में फील्ड वेक्टर बना देना है. तो माइनस क्यू की वजह से देखो, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, तो जो फील्ड वेक्टर है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एंड अट्रैक्शन फोर्स. इसको देखो, प्लस क्यू की वजह से प्लस 1 रिपल होगा, तो इसकी फील्ड रिपल्सिव. मैंने चारों चार्जेस को नंबरिंग कर दी है, तो ये E3 और ये वाला E1. अब इसको देखो, प्लस क्यू की वजह से फोर्स एंड हेंस फील्ड रिपल्सिव E2, और माइनस क्यू की वजह से फोर्स एंड फील्ड अट्रैक्टिव, दैट इज E4 टुवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज. अब आप चारों फील्ड्स को ध्यान से देखिए. अब आपको वेक्टर फॉर्म यूज करना है इन्हें लिखने के लिए. E1 के क्यू वेक्टर वेक्टर आर वन, वेक्टर आर वन, ये है आर वन, और जो वेक्टर यहां है उसी के मैग्नीट्यूड का क्यूब. तो सारा प्रॉब्लम इस वेक्टर आर को डिसाइड करने में है, और ये डिसाइड करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. देखो, आर वन वेक्टर कैसे डिसाइड करना है याद करो. जिस सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड निकालनी है उस पे आर का टेल, और जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उस पे आर का हेड. तो आर कैसे मिलेगा? x2 माइनस x1 यूनिट वेक्टर i प्लस y2 माइनस y1 यूनिट वेक्टर j. x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j.
एक बार ये लिख लिया तो इसी का मैग्नीट्यूड का क्यूब यहाँ लिखना है। अब ये क्या है देखो, डी आई माइनस डी जे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन एक्सप्रेशन में मैग्नीट्यूड का क्यूब है, तो मैंने एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट और फिर उसका क्यूब यानी 3/2। इसी तरह से आर टू लिखा, देखो आर टू देखो, एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे। ये देखो एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन ई टू, सॉरी बेटा ई टू ये है आर टू। तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे। जब आप वाई वन लिखोगे तो ये देखो माइनस डी है, तो ये एक्चुअली प्लस हो जाएगा। तो आपका आर टू वेक्टर आ गया डी आई प्लस डी जे, और इसी का मैग्नीट्यूड का क्यूब लिख दिया। एक और काम करना है, ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म में, चार्जेस को चाहे फोर्स कैलकुलेट करो या फील्ड, साइन के साथ रखना है। तो फर्स्ट चार्ज भी पॉजिटिव था और सेकंड चार्ज भी पॉजिटिव था, तो यहाँ भी प्लस क्यू है और यहाँ भी प्लस क्यू है। लेकिन जब आप ई थ्री लिखोगे तो आर थ्री, ये रहा आर थ्री, देखो आर थ्री क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन यूनिट वेक्टर जे। तो हमने जब ई थ्री लिखा तो हमने उसी के अकॉर्डिंग लिखा, लेकिन जब क्यू रखा तो ई थ्री पर माइनस क्यू है, तो देखो हमने क्यू रखा तो माइनस के क्यू रखा। फिर इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब है तो वो भी रख दिया। वेक्टर फॉर्म की बढ़िया प्रैक्टिस ये दे रहा है, वेक्टर फॉर्म की ये प्रैक्टिस तुमको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर 3D सिचुएशन आ जाएगी वहाँ वेक्टर फॉर्म से अच्छा कोई मेथड नहीं होगा। अब E4 देखो, E4 ये R4, चलो x2 माइनस x1 यूनिट वेक्टर i प्लस y2 माइनस y1 यूनिट वेक्टर j लिख दिया, E4 लिख दिया हमने। फिर से ये माइनस 2d था तो ये प्लस हो गया, देखो। और उसके बाद अभी इस माइनस पे मत आओ, ये प्लस हो गया, यहाँ पर ये प्लस हो गया, और फिर इसी का मैग्नीट्यूड का अंडर रूट का क्यूब यानी 3/2। लेकिन जब हमने चार्ज देखा तो यहाँ पे चार्ज था माइनस क्यू, तो इस एक्सप्रेशन में जब हमने चार्ज रखा तो माइनस के क्यू रखा, जैसे यहाँ पे माइनस के क्यू था वैसे ही यहाँ पे, और ये माइनस यहाँ पहुँचा तो इस माइनस ने इस डी आई को माइनस डी आई कर दिया और इस 2dj को माइनस 2dj कर दिया। इसका मैग्नीट्यूड निकाला पहले हमने, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट और उसके बाद उसका क्यूब। तो अब हमारे पास चारों वेक्टर्स आ गए, तो रिजल्टेंट वेक्टर
इस वेक्टर को ऐड करोगे वेक्टर फॉर्म में, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो, रिजल्टेंट फील्ड विल बी वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4। जब आप वेक्टर सारे रख दो, ठीक है, इसको आराम से सॉल्व करना, कॉमन लो, सॉल्यूशन पूरा ध्यान से, अब ये तुम्हारा काम है। मैं पूरा सॉल्यूशन आराम से दिखा रही हूँ, ये तुम्हारा काम है बेटा कि ढंग से इसको पहले सॉल्व करो, और उसके बाद जिस पॉइंट पे आपको लगे कि रुक रहे हो, यू गो टू माई सॉल्यूशन एंड फाइंड आउट द प्रॉब्लम। And once you feel that you are not getting any step, then ask me. You are free for that. See the solution after solving it by yourself. And once you got the net field in the vector form, see, in the vector form, इतना लंबा calculation, वो तो तुम्हें resolve करोगे तब भी करना पड़ेगा. So solution is not smaller in this case or in that case. Net field in vector form, you will get this such a small expression. With only I vector, that means net field का केवल x component रहेगा, y के component कट रहे हैं, जो net field है वो सिर्फ किस direction में है, x axis direction में, और वो भी देखो plus I, यानी plus x direction में रहेगा, ठीक है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड अगर कोई पूछे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन यहाँ तो वो झंझट ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ x कंपोनेंट है, तो ये रहा यूनिट वेक्टर और ये रहा मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का ये है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड सीधे ये वैल्यू हो गई 9KQD² / D4। क्लियर हो गया बेटा। मैं फिर से आपको कैलकुलेशन एक बार पूरा मूव कराए दे रही हूँ, आप खुद से करना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर आगे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से डायपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट को भी और अच्छे से समझेंगे। पॉइंट चार्ज को डील कर रहे हैं, अब हमको एक्सटेंडेड चार्जेस की फील्ड भी पता करनी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बेटा, प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो।